युधिष्ठिर महाराज ने देव ऋषि नारद जी का आगमन देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता का एहसास किया। अर्घ्यपाद से उस महासंत का पूजन किया और तनिक बैठे, फल फूल जो भी प्रसाद लेना देना खाना था। बोले, महाराज आप साक्षात ब्रह्मा जी के सुपुत हैं और आपका ज्ञान में, ध्यान में, सेव साधन में, भजन में, परमात्मा रस में जीवन परहित परायण आप जैसे महापुरुष को पाकर मैं आज धन्य हो गया। महाराज बहुत पुण्य होते तब साधु पुरुषों का दर्शन होता है, ईश्वर की अति कृपा होती है। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवत कृपा के बिना संत का दर्शन नहीं होता महाराज। द्रवे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति, जब भगवान प्रसन्न होते हैं द्रवीभूत होते तब साधु का संग मिलता है। युधिष्ठिर ने अपनी भाषा में कहा, मैं आपको इस अभी की भाषा में कहता हूं, साधु का संग पाकर युधिष्ठिर महाराज गदगद हुए और नारद जी को कहते कि महाराज आपका संग मिला, आपका सत्संग मैं चाहता हूं। मनुष्य को अपना घर बार रीति रिवाज निभाते हुए परम लाभ कैसे हो, सब दुखों से कैसे छूटे, और जहां स्वर्ग का सुख नन्ना हो जाता है ऐसे परम सुख परमात्मा को कैसे पाए। हम जैसे लोग व्यवहार में गला डूब व्यवहार में जीने वाले लोगों को कौन से धर्म का आचरण करने से हमें सनातन सत्य की प्राप्ति होगी। बनाया हुआ सत्य नहीं है, सनातन सत्य। किसी पीर पैगंबर का चलाया हुआ मजहब नहीं। जैसे सूर्य सनातन पुरुष है, सूर्य किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ऐसे ही सनातन धर्म का हमें रसा स्वाद ज्ञान अमृत देने की कृपा कीजिए। प्रसन्न चित्त नारद जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। आप भी कुछ बोलो तो पहले भगवान का नाम या भगवान का स्मरण करके बोलो, आपके बोलने में भगवान की कृपा का संपुट रहेगा। धड़ धड़ बोलने लग गए नहीं, धड़ धड़ करने लग गए नहीं। जिसकी सत्ता से बोला जाता है, किया जाता है, उसकी सत्ता का जरा तो सहयोग लो। क्लास में एक लड़का खड़ा होकर विद्यार्थियों को भाषण देने लग जाता है और दूसरा लड़का कहता है कि साहब आपकी आज्ञा हो तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। दोनों में कौन विद्यार्थी बुद्धिमान है जो साहब की आज्ञा लेकर फिर बोलता है, ठीक है ना, इजाजत लेकर। ऐसे ही साहबों के साहब को बोलो कि प्रभु जी, नारद जी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर प्रश्न का उत्तर देते हैं। धर्म का प्रश्न पूछा है, सत्संग पूछ रहे हैं और सत्संग में भी भगवान की स्मृति वाली बात बतानी है, लेकिन भगवान का स्मरण करके देव ऋषि नारद जी बोलते। देव ऋषि नारद नारायण में गोता मारते हैं। शांत होना नारायण में गोता मार, आप सुबह सुबह थोड़ा शांत हो जाया करें, इसी का नाम है भगवान की शरण। और भगवान स्वयं कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम मेरी शरण आ जाओ, जहां से स्फूर्णा होती वहीं मैं हूं। कठिन है क्या आपके लिए, दुर्लभ है क्या? नींद में से नहीं उठते क्या? रोज नींद में से उठते हो तो 2 मिनट ही तो करना है। तुम नारद जी भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं कि गृहस्थी जीवन में युधिष्ठिर मनुष्य को उस परमेश्वर का, निर्दुख नारायण का
महाप्रसाद महाअमृत पाना हो तो ये सनातन धर्म के नियमों का आचरण करने से साधारण व्यक्ति, गृहस्थ में जीने वाला व्यक्ति भी उस परम सुख को, उस सत्य स्वभाव ईश्वर को पा सकता है। एक तो अपने वचन में झूठ कपट का त्याग कर दे, सत्य वचन बोले। दूसरा अपने स्वभाव में दया का प्रवेश करे। दया सभी धर्मों का मूल है राजन, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। चलते फिरते देखो जीव जंतु कीड़ी मकोड़ा अथवा कुछ भी प्राणी आपसे कष्टवान ना हो, आपकी वाणी किसी को चुभने वाली ना हो, आपका व्यवहार आप चलते तो धरती पछाड़ते हुए ना चलिए, कोमलता से चलिए। बोलिए तो ऐसी तीखी वाणी ना बोलिए। कोई चीज लीजिए दीजिए रखिए, कई माइयों की और रसोइयों की आदत होती, बेवकूफ लोग पटकते रहते बर्तन। अरे काहे को उस ब्रह्म को का अपमान करते हो? बर्तनों में और चीज वस्तुओं में भी ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। फेंक फेंकी पटक पटक की ना करो। तो सत्य दया और क्रोध आदि पर थोड़ा नियंत्रण पाओ। तप अर्थात अपना कर्तव्य और धर्म का पालन कठिनता से भी करके जीना, उसे तप कहते हैं। वाणी का तप होता है, शरीर का तप होता है, मन का तप होता है, अपने जीवन में तप। चौथी बात है युधिष्ठर, कायिक वाचिक मानस की शुद्धता। शरीर से स्नान आदि करके शुद्ध रहना, वाणी से जप करके शुद्ध होना, मन से भगवान की स्मृति करते हुए शुद्ध रहना। और पांचवा है अपने जीवन में सही सुनता का गुण विकसित करो तो परमात्मा का प्रकाश होने में सुविधा होगी, परमात्मा का समत्व ज्ञान प्रकट होने में सुविधा होगी। सही सुनता लाओ, जरा जरा बात में घबरा न जाओ, जरा जरा बात में विवल न हो जाओ, जरा जरा बात में आपे से बाहर न आ जाओ। धीरज सबका मित्र है। सब लोग बोलना देवियां देवता, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए, करी कमाई मत खोए। सासू ने दो वचन कह दिए, बहू रानी बिटिया थोड़ा धीरज रख। जेठानी ने कह दिया तो देरानी थोड़ा धीरज रख। ननंद ने कह दिया तो भाभी बहन थोड़ा धीरज रख। पड़ोसी ने कह दिया तो पड़ोसी लाली थोड़ा धीरज रख। उसने बोल दिया, तुमने सवाया बोल दिया, उसने डेढ़ा बोल दिया, अशांति होगी, नुकसान होगा मानवता को। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। लेकिन क्या करूं, रोज रोज बोलती है तो रोज रोज बोलती, लेकिन तो रोज रोज जब बोले जीभ तालू में लगा दे, वो बोलते बोलते थक जाएगी और तेरे पैर न पकड़े तो मेरा नाम बापू नहीं है। हट दे। जो बोलती है तो अकारण कोई डांटती और तो जीभ तालू में रखकर शांत रहे, तेरी शक्ति तो बढ़ती जाएगी, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तू उसकी शक्ति क्षीण करने के बहाने नहीं, उसका मंगल के बहाने कर तो उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। एक माई ऐसी खतरनाक थी, झगड़ेबाज ऐसी थी कि सारे पड़ोस के लोग कांपते थे। दिन में दो तीन माइयों से ना लड़े तो उसको चैन नहीं पड़ती थी। जैसे दो चार कप चाय न पीने वाले व्यक्ति जो चाय पीते, दो चार कप चाय नहीं पिए तो चैन नहीं पड़ती, ऐसे दो तीन झगड़े ना करे तो चैन ना पड़े। ऐसी माई पड़ोसन को कोस रही थी, ऐसी है तो वैसी है, और लिपण भी लिपे जा रही थी। तीन चार दिन पुराना गोबर और मिट्टी का घोल कपड़े से लेकर घर को लीप रही थी। समर्थ रामदास गए दोपहर के समय,
ऐसी पित्त की बीमारी में गुस्सेबाज आदमी होता और जवानी में पित्त भी होता है, वो झगड़ेबाज स्वयं थी और फिर खाया पिया नहीं था और ये बाबा गया जाए जाए समर्थ रघुवीर महाराज माई कुछ रोटी दे दे रोटी मांगने आए तो पड़ोसन ऐसी रोटी धड़ा समर्थ के मुंह पर वो गंदा कपड़ा दे मारा। समर्थ के चेले थे शिवाजी महाराज, उसको कैद करा सकते थे। समर्थ वो ले गए नदी पे धोया सुखाया भिक्षा मांगी घर गए अपनी कुटिया पे। शाम को सूख गया उसमें से लीरी लेकर दिया जलाते और भगवान का ध्यान करते। तब तक उस लीरी में से दिया की उस कपड़े में से लीरी लेते रहते थे जब तक वो कपड़ा मौजूद था। सारा कपड़ा लीरी के रूप में दीपक की ज्योत में काम आ गया। फिर उसी के घर गए माई के घर, जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षा दी। माई देखकर दंग रह गई, अरे महाराज मैंने तुमको इतना गंदा कपड़ा दे मारा था, कितने दो चार छह महीने हो गए और तुमने मेरे को कुछ ना कहा। मैं इसी झगड़ालू हूं, मैं ऐसी हूं, लेकिन तुमको मारा उसके बाद मेरे को झगड़ा करने में धीरे धीरे, अब महाराज मैं तो झगड़ा क्या करूं, कोई कुछ भी कह जाए तो मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत गलती की। मैं महाराज ने देखा क्या व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं होता, झगड़ा तो उसका आगंतुक विकार है, काम भी आगंतुक विकार है, क्रोध भी आगंतुक विकार है, दगा और बेईमानी भी आगंतुक विकार है, मूल रूप में तो वो व्यक्ति अमृतमय आत्मा है। मैंने किसी को कह दिया क्या है तुमने मेरे से कपट किया, मैं जानता हूं व्यक्ति कौन है, फिर भी मैंने कह दिया तुमने मेरे से कपट किया, आज तुम ऐसा है, आज तुम ऐसा है, तो वो विकारों से जुड़े नहीं और शुद्ध होता जाए, इसलिए हम डांट देते हैं। लेकिन हम गहराई से जानते कि कौन क्या है, सभी के अंदर में हुआ। जाट भजो गुजर भजो चाहे भजो अहीर, तुलसी रघुवीर चरण में सब काहू की पीर। सबकी पहुंचे हैं, जाट भजो गुजर भजो चाहे भजो अहीर, सबकी गहराई में वही का वही है। तो नारद जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज पांचवा ये सद्गुण विकसित करना चाहिए कि अपने में सही सुनता लानी चाहिए। छठा अपना विवेक सजाग रखे, कब कहां क्या बोलना, कब कौन सी सीजन में क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इस विवेक से स्वास्थ्य का और मन का ख्याल रखे। सातवा है मनः संयम, आंख की पुतली ऊपर नहीं नीचे नहीं एक जगह पर स्थित करो, पांच से दस मिनट मन संयम की शक्ति आ जाएगी, आपका प्रभावशाली मन बन जाएगा। ये नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, मैंने अपना जोड़ दिया है। उन्होंने कहा मन संयम, आकाश को देखते देखते आंख की पुतली स्थिर कर दो, स्वस्तिक को देखते देखते भगवान को गुरु को देखते देखते पांच से दस मिनट आंख की पुतली स्थिर कर लो, मन संयम का प्रसाद बढ़ाओ। साधु बाबा लोग तो कर सकते, कहीं भंडार हुआ भागा दौड़ी मत करो। हमको कुछ मिलता था हम फेंक के बैठ जाते थे और भगवान से हुज्जत करते थे। जो दो दो केस कर दो दो मर्डर करता है उसको खाना मिल जाता है तो मैं भिक्षा मांगने जाऊं भंडारा खाने जाऊं, मैं नहीं जाता। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, और लाया खिलाया तीन तीन बार। इसलिए हम तो हुज्जत करते उस दाता से, आप भी तो कर सकते हैं, जैसा मेरा है उतना ही आपका है, वही आपका भी तो है, अकेला मेरा थोड़े है। प्रभु जी माँ के चार बच्चे हैं तो क्या 25-25% माँ होगी बच्चों की, नहीं सभी की पूरे की पूरी है। ऐसे परमात्मा सभी के लिए पूरे के पूरे है। मना संयम, आठवीं बात इंद्रियों का संयम, बिन जरूरी देखना, बिन जरूरी सुनना, बिन जरूरी बोलना, इससे। नौवीं बात है अहिंसा, किसी जीव जंतु प्राणी का हिंसा ना हो। दसवीं बात है नारद जी कहते ब्रह्मचर्य, पत्नी है शादी है फिर भी वार त्यौहार तिथि
का ख्याल रख के महीने दो महीने में कभी संसार व्यवहार करे तो वो गृहस्थी का ब्रह्मचर्य है, और साधु का ब्रह्मचर्य तो सतत संयम। ग्यारहवीं बात है, अपने जीवन में दानशीलता का गुण लाए, नहीं तो लोभ का दुर्गुण उसको दबा देगा। जो दान नहीं करता उसको लोभ फंसा देगा। बारहवीं बात है, अपने जीवन में जप के लिए समय रखे, जप का नियम करे। तेरहवीं बात, नारद जी कहते हैं स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। जैसे रोज स्नान करना जरूरी है, रोज कुल्ला करना जरूरी है, रोज नींद करना जरूरी है, आए रोज स्वच्छ होना शरीर का जरूरी है, ऐसे ही सतशास्त्र और सदग्रंथ पढ़कर मन मति को स्वच्छ करने का नियम रखे। चौदहवीं बात है सरलता, जो मन में आए जैसा हो वैसा ही बताए, ऐसा नहीं मन में कुछ बाहर कुछ कपटी। कपटी के आदमी का विश्वास कोई नहीं करेगा, बात तोड़िए का बात बनाने वाले का इतना विश्वास नहीं होता है। एक नेता थे, कुछ लोग मिलने गए, नेताजी नेताजी नेताजी, नेता ने अपने बेटे को बोला कि देखो लोग आए हैं सारे, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ वही लोग आए, मैंने वायदे किए थे, अब तुम जाओ उनको कह दो बेटे कि पिताजी घर पे नहीं है। बच्चा आया, बोला मेरे पिताजी बोलते हैं कि मैं जहाँ से चुनाव लड़ा था वही लोग आए, मैंने वायदे किए, तुम जाकर उनको कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है, आए हैं। बच्चा सरल, बच्चा खुश रहता है क्योंकि सरलता है। जितना आदमी सरल है उतना वो खुश रहेगा, जितना जो मीठा है उतना कम खुश रहेगा। अपने जीवन में सरलता का सद्गुण। फिर संतों का सानिध्य कभी कभी गृहस्थी को जरूर लेना चाहिए। और अपने जीवन में संतोष। सोलहवां सद्गुण है कि सेवा, अर्थात समदर्शी संतों की सेवा खोज लेनी चाहिए। संतों के देवी कार्य में भागीदार होते हैं तो ईश्वर के वैभव में भी वे भागीदार हो जाते हैं। ये बात मैंने मिलाकर कही, शास्त्रीय बात है। नारद जी ने यहाँ तक लिखा है, कहा है कि समदर्शी संतों की सेवा, ये नारद जी का वचन है। मैंने उसमें मिलाया कि समदर्शी संतों के देवी कार्य में भागीदार होने से ईश्वर के वैभव में भी आप लोग भागीदार हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव। और आपको फायदा हुआ है, जिन्होंने सेवा किया है फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, देख लो ईश्वर के वैभव में आप भागीदार हुए। सत्तरवीं बात विरति ही, कितनी भी सफलता मिले कितना भी धन मिले लेकिन शरीर और धन और सफलता रहने वाली नहीं है, उनसे भीतर से थोड़ा वैराग्य करो, इनको चिपको नहीं। सदा कोई रहने वाली नहीं है सफलता, स्वास्थ्य धन सत्ता सदा नहीं रहने वाली, ये तुम्हें छोड़ दे उसके पहले तुम इनसे विरत रहो। मैंने सुनी एक घटना, किसी जाटन ने हठ धारण कर ली, कुछ भी हो जाए मुआ अब मैं तेरे घर रहने वाली नहीं हूं, मैं तो तेरे को तलाक देख के छोड़ूंगी। जाट भी कुछ समझदार था, बोले ठीक है तलाक देना हो जो भी देना हो, अभी तो शाम हो गई कल सुबह अपने अलग हो जाएंगे, क्या बात, आज की रात की तो बीच में बात है, अभी कहाँ जाओगी देवी। वो जाटन बिचारी सीधी, देवी शब्द सुनते ही वो तो पानी पानी हो गई, वो बोलने में खड़े होते बाकी दिल के भले भोड़े होते। और जाट शाम को ही निकला बाजार में रिश्तेदारों में कि मैं तो अपनी लुगाई को तलाक दे रहा हूँ, मैं तो अपनी लुगाई को तलाक दे रहा हूँ। पूरे गाँव में ढंडेरा पीट दिया रात में और प्रभात में, और सुबह हुआ जाटन को बोला मैं तेरे को छोड़ता हूँ। अरे बोले तू क्या छोड़ रहा, मैं तेरे को छोड़ रहा। अरे बोले सारे गांव को मैं कह के आया हूँ मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। अब वो छोड़ने वाली थी उसके पहले इसने बिचारी पर ला दिया मैं इसको छोड़ रहा। ऐसे दुनिया की ये वस्तुएं आपको छोड़ी उसके पहले आप बोलो कि तुम तो जाने वाली हो, तेरा मेरा नाता पक्का कहाँ का था, मैं तो जानता था। तो आपको दुनिया आपको तलाक दे दे, कंधे पे उठाकर शमशान में ले जाए, उसके पहले आप दुनिया को भीतर से
तलाक देने की तैयारी रखो तो आप निर्दुख नारायण को मिलोगे, क्या ख्याल है? वो आपको छोड़ जाए, चीज वस्तु रुपया पैसा मौज मजा आपको छोड़ जाए, उसके पहले आप अंदर से अपना हाथ सकोड़ के रख लो, बस है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरे बिना भी हम जिएंगे, तेरे बिना भी क्या जीना, हाय रे हाय बबलू की माँ। अब उसका आत्मा भटक रहा है और तू यहाँ परेशान हो रहा है, तेरी नींद हराम, उसकी शांति हराम, उसको भी बिचारी को यात्रा करने दे। अर्थात वीरति 18वां सद्गुण अपने में लाना चाहिए कि निष्काम भाव से सत्कर्म करे, लेकिन सत्कर्म का फल ईश्वर को अर्पण करे तो फल का भोक्ता नहीं होगा, तो आसक्ति मिटेगी और ईश्वर में विश्रांति मिलेगी। ये शब्द मैंने मिलाया, विश्रांति, कर्म के फल का त्याग, नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा। 19वां है कि बकवाद का त्याग, बिन जरूरी ना बोले, असार बात ना कहे, चुभने वाली बात तो ना कहे लेकिन व्यर्थ की बात ना कहे। देख लो ये गुलाब है, ये तो आप जानते हैं गुलाब है, मैंने आपके कान खराब की और अपनी जुबान खराब की, मेरा बोलना व्यर्थ हो गया। हाँ ये गुलाब है, ये बखमल गुलाब है, गुलकंद का गुलाब फलाना होता है, ये बखमली गुलाब में ऐसा ऐसा गुण है, तब तो मैंने ठीक बोला, खाली आपको कह दिया जो आप जानते वही हमने बोल दिया तो क्या हो गया? व्यर्थ का ना बोलो आपस में, व्यर्थ का ना सुनो, व्यर्थ का ना सोचो, सार्थक में विश्रांति मिल जाए। 20वां है विचार आत्मबुद्धि का, बुद्धि में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार तो बदलता फिर भी जो नहीं बदलता वो परमेश्वर कैसा है, कैसे मिले, ऐसा बुद्धि में डाल दो। 21वीं बात बताई कि नवधा भक्ति, और 22वीं बात बताई कि भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए गृहस्थियों को, संसारियों को, साधुओं को, सभी को। भगवान की कीर्ति का गान करते ही भगवताकार वृत्ति होती, भगवान नाम कीर्तन। 23वीं बात बताई कि अपने जीवन में हरि लीला का सुमरण, भगवान की लीलाओं का सुमरण करो। 24वीं बात बताई भगवान की सेवा करो, तो भगवान कहाँ है कि हम सेवा करेंगे? भगवान ने कहा है कि मैं कहाँ हूँ देख लो एड्रेस, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, ईश्वरों का ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश के आत्मा में और गरीब गुरबे मोहताज और माता पिता के आत्मरूप में जो बस रहा हूँ वो मैं महेश्वर हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वर, भगवान की सेवा करो। सासु की अंदर भगवान है, बहू या गरीब के अंदर मेरा भगवान है, इस भाव से थोड़ा समय सेवा कार्य में लगाओ। 25वां सद्गुण है भगवत मूर्ति पूजन आदि, भगवान के सामने बैठकर भगवान की मूर्ति का ध्यान भजन पूजन। 26वां भगवत जनों में प्रीति और भगवान भगवत भाव, जो भगवान की भक्ति में ऊंचे उठे हैं वे भगवत स्वरूप हैं, रब मेरा सतगुरु बनकर आया, ये भगवत जनों में प्रीति और भगवत भाव है। 27वां विनम्र भाव रखे मैं फलाना ने, और 28वां दास्य भाव, 29वां है सहृदय भाव, और 30वां सद्गुण है तन मन धन, जिसका है उसी को अर्पण करके उसका केवल उपयोग करे,
इस प्रकार से इन 30 सद्गुणों से गृहस्थी जीवन में भी व्यक्ति परमात्मा सुख को, परमात्मा ज्ञान को, परमात्मा तत्व को प्राप्त करके मुक्त आत्मा, महान आत्मा हो जाता है।